हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाइपास स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं हम लोग इस रिवीजन सीरीज की, जहां पे आपको मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे टोटल 14 टू 15 क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चंस आपके होते हैं काइंड ऑफ फेयर के बेसिस पे। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड इस क्लास के जस्ट बाद में 7 AM पे आपसे मुलाकात करेंगे इसी जगह पर बाइपास स्टडी पे, जहाँ पे होगा आपका रेगुलर करेंट अफेयर्स। तो रेगुलर करेंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन करना ना भूला करें इस सेशन के जस्ट बाद वाला सेशन 7 AM पे इसी चैनल पे। ओके, चलिए तो शुरुआत करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता होगा। सवाल सवाल में पूछा जा रहा है अम्बर अलर्ट, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। सवाल आपसे ये कह रहा है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। जो बच्चे ऐसे हैं जो मिसिंग हो जाते हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। जब भी हम फेसबुक की बात करेंगे तो फेसबुक के अंडर में व्हाट्सएप भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, और फेसबुक का जो नया वाला वो सिंबल आपको देखने को मिलता है, दैट इज दिस। यानी कि ये मैकडी नहीं है, ये मेटा है। क्या है ये? दिस इज अ सिंबल ऑफ मेटा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इसको लॉन्च किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। चलो नेक्स्ट पे आओ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? ये एक ऐसा इंडेक्स है, मतलब पूरी हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा एक कोई इंडेक्स आया जिसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल बॉटम पे आपको देखने को मिल रही है। कल सुबह 7 बजे के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, और इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंकिंग 135 थी, और इसमें अफगानिस्तान जो था वो बिल्कुल बॉटम पे देखने को मिला। अब उसी हिसाब से एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो आपको 180 देखने को मिली, जो कि थी बॉटम पे। कहाँ पे थी? बॉटम पे। इस डेटा को रिलीज कब किया गया? तो 5th of June यानी कि एनवायरमेंट डे वाले दिन पे इसको लॉन्च किया गया। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा कि इस बार के एनवायरमेंट की थीम क्या थी, इस बार की एनवायरमेंट की थीम क्या थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और, इसके साथ में ये भी बताया गया था कि अगर हम सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड प्लेस की बात करते हैं तो पॉल्यूटेड प्लेस में हमेशा याद देखोगे तो दिल्ली आता है, लेकिन अगर आप यूपी की बात करोगे तो वहां पे आपको गाजियाबाद देखने को मिलेगा। अगर सबसे पॉल्यूटेड रिवर की बात आएगी तो ये यमुना रिवर हो जाएगी, और यमुना रिवर के किनारे पे ही आपको आगरा की लोकेशन मिलती है। तो ये याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है 180। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की रैंकिंग 180। अगला, एंजाब डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है? ये सवाल इससे बनाया गया है क्योंकि अभी हाल ही में एक लिपस्टिक प्लांट पाया गया था, और ये जो स्पेशी है ये काफी सालों बाद, यानी कि करीबन 100 सालों के बाद देखी गई थी। सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि लिपस्टिक प्लांट कौन से स्टेट में पाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसका जो शेप था वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से इसका जो नाम था वो रखा गया था, क्या? लिपस्टिक प्लांट। तो ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये पाया गया था 100 सालों के बाद में। अगला, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, 1st of June हो जाएगा, कौन सा डे हो जाएगा? मिल्क डे है। इसके बाद में 2nd of June है, ये क्या हो जाएगा? तेलंगाना का दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट है 3rd of June, ये है वर्ल्ड बाइसिकल डे। अगला है यहाँ पे 5th of June, जो कि है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और ये आखिरी वाला है आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये हो जाएगा। अगर आपसे फूड डे पूछा जाए तो ये 16th of October को होता है। कब होता है? 16th of October को, क्योंकि इसी दिन FAO का गठन होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? रोम के अंदर लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7th of June इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। अगला सवाल, जन सामर्थ ये एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया। सवाल के अंदर पूछा जा रहा है कि ये बताइए इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर टोटल कितनी स्कीम्स को एक साथ में मर्ज किया गया है। तो नंबर ऑफ स्कीम्स आपसे पूछी जा रही हैं, तो नंबर ऑफ स्कीम इसके अंदर हो जाएगी टोटल 13। कितनी स्कीम्स को मर्ज किया गया है? टोटल 13। मर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि एक स्कीम के अंदर दूसरी स्कीम को मर्ज कर दिया है, यानी कि सारी की सारी जो स्कीम है वो आपको अब एक ही पोर्टल पे मिलेंगी। उसकी अगर आपको कोई भी सुविधा लेनी है तो आपको 10 अलग अलग पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही पोर्टल के ऊपर सारा जो डेटा है वो मिल जाएगा। अगला सवाल,
कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पोर्ट ऐसा है जो कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। गाइज इस सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर जरूर से किया करें, क्योंकि ये आपका रिवीजन होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि रिवीजन कितना मस्ट है। और एमटीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम आपके टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, प्रतीक करेंट अफेयर्स ऑफिशियल, तो उसको पढ़ने के बाद में आपको खुद से रियलाइज होगा कि यस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चिदम ये तो है, चेन्नई पोर्ट ये भी है, तुतीकोरिन ये भी है, कामराज पोर्ट ये भी है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला अग्निपोर्ट जो कि टू स्टेज की यहाँ पे सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इसको टेस्ट फायर किया गया, कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। सवाल में कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर आइलैंड जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, नेम द प्लेस। तो एक्चुअल में इसका जो पुराना नाम था वो नाम क्या था, व्हीलर आइलैंड। और ये जो व्हीलर आइलैंड इसका नाम था, इसी का नया नाम क्या हुआ है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। कहाँ पर है, चानीपुर उड़ीसा के अंदर ये लोकेटेड है। मैंने अभी आपको सुबह 7 बजे कल या परसों की क्लास में पढ़ाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के बारे में। इस योजना के अंदर इंडिया का जो स्टेट नंबर 1 पे रहा है वो है झारखंड। इसके अलावा अभी रिसेंटली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का डेटा आया था जिसके अंदर उड़ीसा नंबर 1 पे रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें जितने हिली एरियाज थे और जितने नॉर्थ ईस्ट के एरियाज थे उन सबको मिला के कौन सा नंबर 1 पे था, कमेंट बॉक्स के अंदर जरा लिख के बताइएगा कौन सा राज्य या पे यूनियन टेरिटरी नंबर 1 पे था। तो अग्निपुर और इसकी जो रेंज है वो याद रखिएगा कितनी हो जाएगी, 4000 इसकी रेंज है। अगला आईटी रूल 2021 ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। आईटी रूल 2021 जो है इसके अंदर अभी हाल ही में बदलाव किए गए थे जिसके अंदर सेक्शन नंबर 69 है जो कहता है कि आप किसी भी ऐप को बैन कर सकते हो अगर आपको सिक्योरिटी को लेकर कोई भी इश्यू होता है। तो ये कौन से मिनिस्ट्री में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर इसको रखा गया है। ये मंत्रालय किसके पास में है, तो अश्वनी जी के पास में आपको ये मंत्रालय मिलता है। अश्वनी जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री और है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे मिनिस्ट्री भी इनके पास में आपको मिलेगी। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की बात करोगे तो अमित शाह जी, इनके पास में होम अफेयर मिनिस्ट्री भी आपको मिलती है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अभी हाल ही में कुछ चेंजेस भी किए थे। अच्छा अभी 7 बजे जब आपसे मुलाकात करेंगे तो हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू इंटरनेट के बारे में। और ये जो राइट टू इंटरनेट है एक ऐसा स्टेट जो क्या करने वाला है, अपना खुद का सर्वर डेवलप करेगा और इंटरनेट की सुविधाओं को पहुंचाएगा अपने राज्य के अंदर। अभी 7 बजे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला नलाया थिरन ये क्या है, स्किल प्रोग्राम है, इसको भी हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कौन से स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया गया, तो ये वही स्टेट है जहां से सबसे पहली बार मिड डे मील योजना को लॉन्च किया गया। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या हो जाएगा, PM पोषण योजना। लेकिन अगर आपसे पोषण माह पूछा जाए तो ये याद रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये रहेगा सितंबर। क्या रहेगा, सितंबर। ओके चल नेक्स्ट पे आ जाओ। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की या तुर्की, तुर्की के राष्ट्रपति का नाम, ये हो जाएंगे USA के, ठीक है। नफ्ताली बेनेट बेचारे अभी तक इजराइल के थे लेकिन अब इनके पास से सत्ता जा चुकी है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्दगन इज द करेक्ट आंसर, टर्की के राष्ट्रपति का नाम। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पे शिरुमलाई हिल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सवाल जब मैंने आपको कराया था तो बहुत सारे बच्चों को लगा था कि ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है, और 2 दिन बाद ही SSC ने इसके ऊपर सवाल बना दिया था। तो याद रखिएगा शिरुमलाई हिल्स जो है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपको ये वाला जो जोन है जो नीलगिरी की पहाड़ियों वाला एरिया है वहां पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। तो नीलगिरी पहाड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है गोवा बाहर है, यहाँ से पंजाब बाहर है और नन ऑफ दी अबव भी बाहर है, बचा तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं बताऊं या तुम बताओ, चलो जल्दी से आंसर करके बताओ। देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ये याद रखना कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 हैं। नेक्स्ट पॉइंट यूनेस्को की तरफ से कितने हैं, 18 हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की तरफ से कितने हैं, 13 आपको देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर पन्ना नेशनल पार्क को रखा गया है जो कि कहां पर है, MP के अंदर आपको ये मिलेगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहीं पर आपको क्या मिलते हैं, नील कुरुंजी फ्लावर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे जो कि 12 साल में आपको एक बार ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था अपना अभी का रिविजन।
आई होप कि सबकी नींद खुल गई होगी। अब आपसे 7 बजे मुलाकात करेंगे, और जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक टीजी पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। मैं फिर से बोल दूँ, इस संडे को आपके 2 क्लासेस रहेंगे ऑन यूट्यूब इसी चैनल पे। एक तो 7 AM हो गई होगा, उसके बाद में 8:15 आपका क्लास रहेगा, जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पूरी पूरी आपको पढ़ाई जाएगी। ये सारे एग्जाम्स को कवर करने वाला आपका बैच है, जो यहाँ पे 15th को जिसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 साल का ज्वाइन करने पे 2 महीने का एक्सटेंशन, और 2 साल का ज्वाइन करने पे 4 महीने का एक्सटेंशन है। आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलते हैं, अपना सवाल भी पूछ सकते हो। पेड बैचेस को ज्वाइन करने का जो कोड है वो है प्रतिदिन। अभी GS के अंदर मैंने आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किया है, इसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स आएगा, और फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट 2 भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें। द कोड इज प्रतिदिन, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए तो अभी मुलाकात करते हैं आपसे 7 बजे। टिल देन ये रिविजन आपने कर लिया, आपके लिए ये क्लास मंडे टू सैटरडे होता है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।